हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। मेरा नाम है शुभंकर गुप्ता और आप देख रहे हो शुभंकर गुप्ता ब्लॉग्स। तो गाइस, आज है 8 अक्टूबर और आज है वायुसेना दिवस और आज ही एशिया का सबसे बड़ा एयर शो दिखाया जाएगा प्रयागराज संगम में। आप लोग अरेरा घाट से भी देख सकते हो, लेकिन हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा संगम। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं और मेरे दोस्त परेड ग्राउंड से होते हुए हम लोग सीधा जा रहे हैं संगम की तरफ। ढलान से होते हुए जाएंगे हम लोग सीधे रास्ते से। और आप लोग देख सकते हो कितने सारे इलाहाबाद के लोग यहाँ आए हैं सिर्फ एयर शो देखने के लिए। मेरे आगे आप लोग देख सकते हो और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है। मेरे पीछे भी है और आज एयर शो देखने चल रहे हैं सबके सब। भीड़ देख रहे हो भाई, तगड़ी भीड़ हो रखी है। देख सकते हो भाई यहाँ पे कितनी सारी। वाह क्या मुस्कुराहट है, भीड़ है आगे तक। मुंबई मेला लगा है और वो सामने हेलीकॉप्टर। भाई साहब क्या भीड़ है भाई, एक नंबर भीड़ है। देख सकते हो आज यहाँ पे कितनी भीड़ है, तगड़ी वाली। इतनी तो यार संगम में जब आती है ना कौन कभी नहीं पड़ती, भीड़ आज ज्यादा है। अरे भाई ये लो तो ड्रैगन फ्लाई को भी देख के आज खुश हो रहे हैं यार। गाइस तुम लोग भीड़ देखो, आज की भीड़ कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई। इतनी भीड़ तो कुंभ के टाइम में भी नहीं होती जितनी भाई आज से एयर शो देखने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हो रखी है। आप लोग जहाँ तक नजरें दौड़ाओगे वहाँ तक भीड़ है। आप लोग देख सकते हो जहाँ जहाँ भी देख रहा हूँ वहाँ वहाँ भीड़ है भाई। इतनी भीड़ है आज के टाइम पर। और भाई एयर शो बस शुरू ही होने वाला है कुछ ही मिनटों में, तो देखते हैं क्या होता है अभी। और शो शुरू हो चुका, वो आप सामने देख सकते हो वहाँ पे 9 प्लेन्स आ रही जो तिरंगा बनाते हुए आ रही हैं और अपने पीछे तिरंगा कलर का धुआं छोड़ते हुए आ रही है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो एक बार प्लेन और उसके अगल बगल 4 छोटे जेट्स भी जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो और आप लोग देख सकते हो वहाँ दूर से 5 हेलीकॉप्टर हमारे ही तरफ से आ रहे हैं, ये हमारे ऊपर से ही गुजरेगा। फ्रेंड्स अभी दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और अभी हेलीकॉप्टर कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं आसमान में, आप लोग देख सकते हो। और इसी के साथ हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और इसके बाद Thank you.
और आप लोग देख सकते हो हेलीकॉप्टर से कितना प्यारा दिल बनाया गया है इसके। आज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नॉटजेट्स कितनी स्पीड के साथ जा रही है, और आप लोग देख सकते हो बहुत ही स्पीड के साथ 8 सूर्य किरणें जेट्स आ रही हैं। पता भी नहीं चला कहीं थी और कब आया और कब चला गया। और इसी साथ ये कंट्रोल आ रही है। शाम के 4:30 हो चुके गाइस और एयर शो बस खत्म ही होने लगा कुछ ही मिनटों में, और लोगों ने अभी से ही घर जाना शुरू कर दिया है। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे तरफ, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे कितनी सारी भीड़ है जो अभी निकलना शुरू कर दी है 4:30 पे। लेकिन ये भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पूरा संगम खाली होने में तो 6-7 से ऊपर हो जाएंगे भाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हमें भी यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है भाई। बस समझ लो यार, यहाँ से हम लोग 6 बजे तक से पहले तो घर तो नहीं पहुँच पाएंगे भाई। एयर शो लगभग ख़त्म हो चुका, और आप लोग सामने की तरफ देख सकते हो CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर सामने की तरफ है जो कि निकलने की तैयारी में है, और इसके जाने के बाद एयर शो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। भाई मॉडल पे खड़े हैं भाई टंकी के ऊपर, हमारे पीछे भाई भीड़ देख लो, जल्दी वहां से हटो, वहां से हटो। वीडियो बना रहा है ना, है ना, है ना नॉटी बॉय। और इसी के साथ चारों तरफ भीड़ लग चुकी है गाइस, और हम लोग इसी भीड़ में फंस चुके हैं, और हमें यहाँ से निकलने में अब टाइम लगने वाला है। भीड़ देखो गाइस, हमें से पानी किनारे से लेकर पीछे वाले चौराहे पे आने में ही आधे। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई, 1 घंटे लग गए भाई। तो सोच लो गाइस कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ था, कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है, बहुत मुश्किल से बाहर निकले हैं इस भीड़ से, और संगम से परेड पहुँचने में हमें 2 घंटे लगते हैं। और इसी के साथ हम लोग वापस घर जा रहे हैं अपने। फाइनली गाइस हम घर वापस आ चुके हैं 1-1.5 घंटे की ट्रैफिक के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करो, चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप तो जाके फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।